हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे इस चैनल में शीतल सर्चिंग माइंड में। आज मैं जियो फाइबर का एक बॉक्स लेके आई हूँ जो कि एक वाईफाई कनेक्शन है। आप लोग देख सकते हैं, ये इसका प्लान है जियो फाइबर का। और ये जो दो ऐप है ये आपको फुल पैकेज प्लान में मिलेगा, बाकी अपने अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। और ये वायर कनेक्शन है जो कि एक बाहर गया हुआ है, और ये हमारा राउटर जो सेटअप किया गया है वो इस बीच वाले डाइनिंग रूम में लगा हुआ है, जिससे हमारे दोनों रूम को मेकअप किया जा सके, हम लोग को अच्छा नेटवर्क मिल पाए। इसीलिए ये रहा आपका, ये जो है सेटअप बॉक्स है, और इसके साथ फ्री में मिला है, हम लोग को एक रिमोट भी मिला है, क्योंकि 2800 का जो है वो प्लान हम लोग लिए हैं, तो जिसमें ये मिलता है। ये वायर नहीं है, ये हमारा बूफर के लिए है, इसमें कनेक्शन के लिए। ये वाला है आपका सेटअप बॉक्स का, और वो वाला हमारा टीवी का लाइन है। ठीक है, साथ में ये रिमोट काफ़ी सुंदर और बहुत अच्छा है, एकदम अट्रैक्टिव है। ये एलेक्सा टाइप का है, स्पीकर जैसा। शीतल सर्चिंग माइंड। तो दो शिकार, कम से कम मैंने आपकी जान तो बचाई शेर खान। जैसे कि आप सब देख सकते हैं, ये मैं अपना खुद का ही जो चैनल है उसी को मैं ओपन करके दिखा रही हूँ टीवी पे। और ये देखिए, ये यूट्यूब खुल गया है ऑटोमेटिक। यहाँ पे आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी आप बोलेंगे वही अपना, कहीं पे भी रिमोट है, किसी भी जगह से बोलेंगे तो टीवी अपने आप वर्क करने लगेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं किस तरह से स्क्रॉल कर रही हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स सब चीज़ इसमें चला सकते हैं। मोबाइल की तरह ही ये भी वर्क करता है, क्योंकि ये स्मार्ट टीवी होना चाहिए, जो कि हमारा स्मार्ट टीवी है तो उसी में ये काम करता है। और भी नेट वगैरह भी ले सकते हैं, वाईफाई कनेक्शन लेके उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि लाइक करने के लिए, ठीक है ना। और देखिए फिर बैक आ जाता है, आप पे कुछ भी बोल सकते हैं। देखिए मैं भी बोल के दिखाती हूँ। कार्टून इस तरह से, ये तो बहुत फायदा का चीज हो गया। मेरे बच्चों लोग तो खाली बोल बोल के कार्टून चला लेता है, हमको तो कुछ भी चला के देना नहीं पड़ता है, ये बहुत ही आसान हो गया मेरे लिए। चलिए फिर अब जल्दी जल्दी से इसका रिव्यू देख लेते हैं कि इस क्या क्या हम लोग को मिलता है, और फिर कैसे ये लोग लगाते हैं। ये भैया लोग हमारे जो है जियो के आए थे, और कैसे घर पे लगाए हैं आप लोग देखिए। ये जियो वाले भैया लग रहा है सेटअप बॉक्स को फिक्स कर रहे हैं, तो हम लोग को तो पता नहीं है कि कहाँ क्या लगाना है, यही लोग अपनी मर्जी से लगा दे रहे हैं, क्योंकि कहीं फिक्स नहीं था क्या चीज़ आने वाला है, क्या कहाँ लगेगा। बाय द वे ये सब लग चुका है, अब कुछ कुछ सेटिंग वगैरह, पहले तो ये फ़ोन टीवी को अपडेट करेंगे, फिर ऐप डाउनलोड करेंगे, फिर चलेगा। ये वाईफाई कनेक्शन तो चार पाँच दिन पहले लग चुका था, बट मैं वीडियो को अपलोड नहीं कर पा रही थी, टाइम नहीं मिल पा रहा था, बच्चों को स्कूल से लेके आई, तो मैं अभी उसको एडिट करके अभी अपलोड कर दे रही हूँ। ओके, आप लोग देखिए। टीवी का कलर थोड़ा सा वो पिंकिश टाइप का लग रहा है, और शायद से सेटिंग वगैरह ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो एक रे जो है वो ब्लू रे इसका ज़्यादा है, उसको ठीक करना होगा। देखिए ये दो रिमोट है, एक टीवी का और एक जियो का। सेटिंग हो रहा है अभी, जस्ट कुछ ही सेकंड में ये कंप्लीट हो जाएगा। ये मैसेज आ चुका है जियो फाइबर की तरफ से। देखिए ये भैया क्या कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा वीडियो इनका भी ले ली। और ये कुछ मतलब अभी इन लोग को पता है ये सब टेक्नोलॉजी, वाईफाई कैसे कनेक्शन कर रहा है, ये मैं कुछ ज़्यादा बदल बता पाऊँगी। ये सब कनेक्शन देखिए कैसे कैसे हो रहा है। चलिए फिर जानकारी के लिए थोड़ा सा पूछ के देखते हैं। ये क्या चेक कर रहे हैं? चेक नहीं कर रहे, मशीन से
ये भाई साहब ने जो भी बोला मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया, पर जो भी है ये कुछ कनेक्शन है। ये मशीन है चेक करने वाले। देखिए यहाँ पे फाइनली सेटअप सेट हो गया है, वाईफाई राउटर। और अच्छा यहाँ पे हमारे हस्बैंड जी को रिमोट चलाने सिखाया जा रहा है, क्योंकि जियो फाइबर का रिमोट है तो थोड़ा सा एक दो चीज़ जान लेना ही बेहतर होगा। बाकी तो सारे ऐप जो है इन्हीं लोग ने इंस्टॉल करके दिया है, बाकी तो हम लोग चला ही लेंगे। ये उसका जियो का वो 4K एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स है, ठीक है जी। और इसके साथ ये स्मार्ट रिमोट मिलता है, इसमें वॉइस असिस्टेंट वगैरह सब कुछ है। ये ब्लूटूथ स्मार्ट है, ये वॉइस के लिए ये वाला है। वॉइस के लिए ये वाला बटन है। इसमें आपको 40 नोटिफिकेशंस मिल रहा है जो आपका प्लान है उसमें। और ये प्लान कितने कितने का है? ये आपका जो प्लान है ये 398 का है, 398 प्लस 18% GST, पड़ता है आपका 470 का पर महीना। फर्स्ट टाइम आपको 2,848 रुपया देना पड़ता है लेने के लिए, ठीक 5 महीने के लिए, ठीक 500 रुपये इंस्टॉलेशन चार्ज है, ठीक। अब बॉक्स के अंदर तो कुछ है कि नहीं एक बार चेक कर लिए हैं। तो देखिए ये सेटअप बॉक्स का जो बॉक्स है उसमें कुछ वायर बच गया है तो वो लोग दे दिया, और तो कुछ है नहीं। और देखिए हम लोग जो प्लान लिए हैं 12800 का लिए हैं, जिसमें ये सारे मिले हैं। बाकी 1600, 1100, 1700 का प्लान है इन लोग के पास। तो 1100, 1600 में शायद आपका सिर्फ नेट ही सिर्फ मिल पाएगा, शायद वाईफाई ही मिलेगा। और पर टीवी में चैनल वगैरह आप लोग नहीं देख पाएंगे। तो मैं ली थी उसमें हमको 14 चैनल मिला है, और दो चैनल जो है अमेजोन प्राइम और वो नहीं मिला। ये USB के तरह कुछ दिख रहा है, बट मुझे पता नहीं कि ये क्या है। बॉक्स में दिया हुआ है और ये भी क्या है मुझे पता नहीं है। तो इस तरह का चीज़ आप लोग को अच्छी नॉलेज होगी, अगर आप लोग ये सब परचेस करते हैं तो आप लोग यूज़ कर पाएंगे। मेरा तभी कोई काम का नहीं है। और जैसे कि जियो वाले भैया बताएं कि एक वॉइस कनेक्शन भी फ्री मिलता है, जो जियो कॉलिंग ऐप के द्वारा आप किसी से भी बात कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर फ़ोन वगैरह में आप रिचार्ज नहीं करते हैं तो भी आपका इस प्लान से सब हो जाएगा। जियो फाइबर के बारे में मैं क्या बताऊँ, ये एक बहुत अच्छा वाईफाई कनेक्शन है जिसमें आप कॉलिंग और टीवी के चैनल का मतलब बहुत अच्छे मज़ा ले सकते हैं, और बच्चों का कार्टून यूट्यूब सब स्मार्ट टीवी के द्वारा आप चला सकते हैं। बाकी अगर सेटअप बॉक्स नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऐसे ही राउटर के द्वारा आप टीवी को देख सकते हैं, जिसमें आपको रिमोट और सेटअप बॉक्स नहीं मिलेगा, बट आप नेट वगैरह। हाँ एक चीज़ और है इसमें कि 5 डिवाइस को कनेक्ट करके हम लोग वाईफाई का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसका तो रिचार्ज जैसे कि भैया ने बताया 470 का पर मंथ का रिचार्ज होगा। अभी तो 5 मंथ के लिए फ्री हो चुका है, इसके बाद से करेंगे। और अगर आप लोग चाहें तो इसके और कम का भी रिचार्ज कर सकते हैं, जैसे 198 से स्टार्टिंग पैकेज मिल जाएगा। और ये उन लोग का नंबर है, अगर आप लोग चाहें ऑर्डर करना तो कंसल्ट कर सकते हैं। फिर ये जियो फाइबर कनेक्शन का इन्फॉर्मेशन मुझे जितना मिला मैं इसका वीडियो बनाई हूँ। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, अगर कोई सवाल है तो पूछे। बाकी तो भैया का नंबर दिया हुआ है, आप लोग कॉल करके बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।